ने सोमवार को औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और किशोर सी संत की खंडपीठ ने कहा कि अगस्त में कई छुट्टियां हैं और इसीलिए सरकार काम नहीं करेगी। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की और आगे की सुनवाई 23 अगस्त को तय की। अदालत औरंगाबाद निवासी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अन्ना साहेब खंडारे और राजेश मोरे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने 2001 में शहर का नाम बदलने के अपने प्रयास को रद्द कर दिया था, लेकिन पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल ने राजनीतिक कारणों से अनधिकृत तरीके से एक निर्णय पारित किया। इसमें कहा गया है कि इस फैसले की पुष्टि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 16 जुलाई को की थी, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया था। शिंदे सरकार ने इसमें छत्रपति उपसर्ग जोड़ा था। याचिका में कहा गया है कि निर्णय संविधान की पूरी तरह से अवहेलना है और आग्रह किया कि इसे कानूनन अमान्य घोषित किया जाए। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का निर्णय उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से हटने से कुछ घंटे पहले 29 जून को तत्कालीन एमवीए सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया था। शिंदे ने बाद में कहा था कि निर्णय तब लिए गए जब एमवीए सरकार के पास बहुमत नहीं था और इसीलिए वे अवैध थे। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।